चीज है, मैं अपने भक्तों से तो कह ही सकता हूं, किसी भी संस्था पर कुंडली मार के मत बैठना। चार लोगों के कहने पर मत बैठना, जिसके हाथ में जो संस्था है हर 3 साल या 5 साल के सामने, समाज के सामने रख देना चाहिए कि ये चाबी है, ये संस्था है, हमने 5 साल सेवा कर ली, अब जनता जिसको चाहे उसको बना देवे, मैं हटने को तैयार। 5 साल के अंदर हर व्यक्ति को समाज के सामने एक बार पद से हटने की विनती करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति को कह रहा हूं, खास तौर से मैं अपने भक्तों को, 5 साल से ज्यादा एक युग होता है, तुरंत खड़े हो समाज के सामने, भाई मैंने 5 साल सेवा की है, हो सकता है मैं इतनी सेवा न कर पाया हूं, लेकिन अब मैं विनती करता हूं मुझे इस सेवा से मुक्त किया जाए, आप जिसको चाहो उसको इस पर रख लीजिए। ये यदि परंपरा हो जाए फिर देखो हमारे देश का क्या विकास होगा। यहां तो जो एक बार बैठ गया तो बाप के बाद बेटे ही बैठेगा, बाप बेटा है, बेटा बेटा है। ध्यान रखना, इनका जीवन रावण के समान होता है, जैसे खलनायक होता है ना, जिंदगी भर पूरी पिक्चर में मजे करता है और अंत इनका अच्छा नहीं होता। महानुभाव, धर्म की, समाज की संपत्तियों पर कुंडली मार करके मत बैठो, मत बैठो, मत बैठो। ये जन्म जन्म तक रुला देते, एक भाव नहीं, जन्म जन्म तक बिगाड़ देते, एक एक दाने को मोहताज हो जाते। और ये धान की संपत्ति का दुरुपयोग मत करो, इसके दुरुपयोग मत करो, इनको इस प्रकार से कार्य करके मत करो कि मंदिर के लिए हानि हो जाए, बहुत अशुभ, इतने अशुभ कर्म का बंद हो जाएगा। महानुभाव, मैं हमेशा कहता हूं, आज तुम हंसते हुए आओगे, हंसने वालों के साथ मैं रह सकता हूं, रोने वाले तुम रो करके आओगे, मेरे पास पहुंचने के लिए रूमाल नहीं है। आंसू पहुंचने वाले के बाद ये हमारे पास कोई रूमाल नहीं है। कल जो ऐसी शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे निर्माल के दोष लगते हैं कि आज तुम खाते पीते परिवार के हो, भवांतर में लोग सोने का बिस्किट रखेंगे वो अंगारा बन जाता है। क्यों बन जाता है? पूर्व भाव में ये मंदिर की संपत्तियों पे गणेता